अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सतरंगी गार्डन में। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों से अपने सारे प्लांट की ओवरव्यू की वीडियो बनाने को थी, तो आज मैंने वो ओवरव्यू की ही वीडियो बनाई है। तो आप लोग देख सकते हैं, गुले अब्बास से ही स्टार्टिंग करती हूँ। ये मेरे सारे फ्लावर गुले अब्बास के खिले हुए हैं, और यहाँ पर मेरा येलो कलर का शेड नहीं लगा है, वाइट और मजेंडा लगा है साथ में। तो वही यहाँ पर सारे फ्लावर हैं, बहुत ही प्यारे फ्लावर लगते हैं इसके। और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं गुले दोपहरी का, ये मेरा प्लांट है। इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है, इसको मैंने सीड से तैयार किया है। इसमें फ्लावरिंग अब अगस्त के बाद होना शुरू हो जाएगी, और फिर अपडेट दिखाऊंगी आप लोगों को। ये एंटीकोरम प्लांट है मेरे, बस थोड़ा सा ही व्यू इसका मैंने लिया है। ये आ गया मेरा सेवर प्लांट, इसकी मैंने बहुत गार्डन में कटिंग लगा रखी है जगह जगह पर, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्लांट मुझे लगता है। पत्तियाँ इसकी बहुत अच्छी लगती हैं, ग्रीन बहुत रहती हैं ये पत्तियाँ। सर्दियों में ये गिरा देता है अपनी पत्तियों को। बहुत दिन से सारे प्लांट की ओवरव्यू सोच रही थी फ्रेंड्स, तो आज मैंने सोचा ओवरव्यू ही ले लिया जाए अपने प्लांट का। तो आप लोग देख सकते हैं प्लांट मेरे, ये सुदर्शन प्लांट मेरा है। ऊपर जो बड़े प्लांट लगे हुए हैं उनकी पत्तियाँ गिरती रहती हैं, तभी इसमें फंस जाती हैं, क्योंकि इसकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। बुशी होता है प्लांट, तो इसमें फैल जाती हैं। इसकी सफाई के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। प्लांट है बहुत बड़ा है फ्रेंड्स ये मेरा, और ये मेरा जिगजैग प्लांट है। आप लोग देख सकते हैं जिगजैग प्लांट, क्योंकि इसकी आप लोग ब्रांच ध्यान से देखेंगे तो टेढ़ी बेढ़ी नज़र आएगी, तभी इसको जिगजैग प्लांट कहते हैं। बहुत ही ग्रीन ये प्लांट रहता है, बहुत अच्छा प्लांट, इजी टू ग्रो है, कटिंग से इसको हम ग्रो कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसकी ब्रांच जिगजैग हैं बिल्कुल। और ये हिबिस्कस मेरा है, हिबिस्कस में भी आज फ्लावरिंग काफ़ी हो रही है। और ये देखिए भौंरा बैठा हुआ है। आजकल फ्लावर पे बहुत भौंरे आ रहे हैं, और फ्लावर को कट भी करते हैं बहुत। ये देखिए ब्लैक कलर का हर फ्लावर पे बैठे हुए हैं। ये मेरा मोर पंखी का थुजा प्लांट फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बड़ा प्लांट है मेरा ये थुजा का, इसको मोर पंखी भी कहते हैं। इसको भी आप लोग गार्डन में लगा सकते हैं। बीज देखिए इसमें तैयार होने लगा है, इसकी सीडलिंग भी कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स मोर पंखी की सीडलिंग करके दिखाऊंगी, मैं वीडियो जल्दी ही बनाऊंगी, क्योंकि अब सर्दियों वाले जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट हैं उन पर भी सीडलिंग करूंगी। फ्रेंड्स आप लोग ये प्लांट देखिए, ये मेरे गार्डन में प्लांट है, ये मैंने कटिंग से लगा रखा है दो तीन जगह पर। बहुत बड़ा प्लांट है इसका मेरे पास, ये मदर प्लांट नहीं है, ये मैंने कटिंग से तैयार किया, ये अभी छोटा है। आप लोग फ्रेंड्स इस प्लांट का नाम मुझे ज़रूर बताइएगा, किसी के पास मेरे फ्रेंड्स के पास ये प्लांट हो अगर। मुझे इस प्लांट का नाम नहीं पता है फ्रेंड्स, एंटेना प्लांट ये, इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है, फ्लावरिंग अभी बीच में हुई थी तो फ्लावर झड़ गए, अभी ये ऐसे ही है विदाउट फ्लावर। ये मेरा हाइब्रिड वाला पेंडानस प्लांट है, आप लोग देख सकते हैं, इसकी मैंने कटिंग कर दी थी तभी काफ़ी अच्छी हो रही हैं फ्रेश, देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं, वेरीगेटेड हैं इसकी लीव्स। और ये मेरी बोगनविला, कितना प्यारा फ्लावर लग रहा है, जब हाथ में कोई फ्लावर लो तो बहुत अच्छा लगता है, इसमें कांटे भी बहुत होते हैं बोगनविला में, बहुत बुशी हो रहा है, इसकी कटिंग कर दी थी। और पास में ही
वाइट हिबिस्कस मेरा लगा हुआ है, उसमें भी कलियां खिल रही हैं। सुबह का टाइम है, मैंने सोचा वीडियो बना ली जाए। और ये मेरा रात की रानी है, रात की रानी भी बहुत अच्छा प्लांट हो रहा है। बारिश में तो वैसे भी सारे प्लांट बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो जाते हैं। और ये बहुत ही मेरा फेवरेट प्लांट है, ये मेरी आगे पर्पल हार्ट। ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, इसकी कटिंग हम छोटी से छोटी भी कटिंग लगा दें तो आसानी से हो जाती है। फ्लावर इसका बहुत प्यारा लगता है। ये मेरा क्रेप जैस्मिन, बहुत बर्ड्स आ रही हैं इसमें फ्रेंड्स, और बहुत बुशी और फ्रेश हो रहा है प्लांट मेरा। ये देखिए कितनी ग्रीन पत्तियां हैं इसकी, फ्लावरिंग भी हो रही है लेकिन बहुत कलियां इसमें आई हुई हैं। ये फ्लावर इसके कितने प्यारे लग रहे हैं, दो जोड़ा खिला हुआ है। और फ्रेंड्स मेरे इसमें ये आप लोग देख सकते हैं सिंगोनियम पोलका डॉट इस पर लगी हुई हैं, लगता है पेंट किसी ने इस पर छिड़क दिया हो। ये मनी प्लांट मेरा वेरिकेडेड, इसकी लीव है येलो और ग्रीन, और एक वैरायटी मेरे पास पेवर बिल्कुल ग्रीन है, उसमें कोई भी ये शेड नहीं है। ये मेरा डेविल बैकबोन वेरीगेटेड, जिसकी पत्तियां हैं देखिए शेड में, बहुत प्यारी लगता है लग रही हैं। और ये ग्रीन वाला है डेविल बैकबोन, ये भी बहुत प्यारा लगता है प्लांट, बुशी बहुत ये हो रहा है। और ये मेरा आ गया ड्रेसिना, ड्रेसिना प्लांट भी बहुत अच्छा है। अभी मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाकर डाली है ड्रेसिना प्लांट पर, जल्दी ही फ्रेंड्स अपने ड्रेसिना प्लांट पर लगाऊंगी वीडियो बनाऊंगी। और ये स्पैरागस मेरी वाइन आ गई है, स्पैरागस ग्रास वाइन आप लोग देख सकते हैं इसकी ग्रीनरी। समर सीज़न में ये प्लांट बहुत ही ग्रीन रहता है, बहुत ही प्यारा प्लांट है। और ये लास्ट सर्दियों में अपनी पत्तियां झाड़ देता है और सीड तैयार हो जाते हैं इसमें, बहुत बुशी प्लांट हो रहे हैं। ये अगेव प्लांट मेरा आ गया है, ये मैंने जो मदर प्लांट था उसे निकाल कर ही छोटा सा लगाया था, अब ये काफ़ी यहाँ पर बड़ा हो गया। मैक्सिकन पिटोनिया में भी बहुत फ्लावरिंग हो रही है, फूल सब सूख जाते हैं, उनकी सफाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है, टाइम निकालना पड़ता है उसके लिए भी। ये मेरा अल्टरनेंथ्रा है, लाल सा प्लांट, ये इफोर्बिया, इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है इफोर्बिया में। और ये थुजा एक काफ़ी मेरा बड़ा प्लांट है, ये मोर पंखी का। और ये मेरा क्रोटन प्लांट, इस पर तो मैं वीडियो भी बनाकर पूरी डाल चुकी हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा प्लांट है, मुझे ये बहुत प्लांट अच्छा लगता है। इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से हो जाती है, और यही सीज़न है फ्रेंड्स, आप लोग इसकी कटिंग लगा सकते हैं। और मैं कल संडे अपडेट में आप लोगों को जो मैंने कटिंग लगाई है इसकी, जो सक्सेस हो गई हैं, ज़्यादातर सभी सक्सेस हो गई कटिंग, वो मैं सारी कटिंग आप लोगों से शेयर करूँगी कल की वीडियो में। और ये गुड लक प्लांट मेरा, और ये तुलसी का भी प्लांट है मेरा लगा हुआ। तुलसी तो वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद है, इसको हम चाय वगैरह में डाल के पी सकते हैं, काढ़ा बनाए तो उसमें भी डाल सकते हैं, बहुत ही फ़ायदे हैं। ये मेरा सिंगोनियम जो ग्राउंड में लगा हुआ है, इसी से मैंने प्लांटर में लगाकर अपने प्लांटर तैयार किए हैं। जो प्लांटर में मेरे प्लांट ये सिंगोनियम के लगे हैं फ्रेंड्स, वो इसी, ये मदर प्लांट है, इसी से लगाए हैं मैंने। ये मेरा अपराजिता, अपराजिता की बहुत बड़ी बेल भी लगी है, और ये मैंने अभी जल्दी सीड्स लिंग यहाँ पर लगाई थी तो वो भी बहुत बुशी हो रहे हैं। देखिए कितना प्यारा प्लांट, ये फ्लावर लग रहा है अंदर छिपा हुआ है, कलर बहुत प्यारा लगता है अपराजिता का, ये ब्लू वाला। मेरे पास यही शेड है ब्लू कलर का, वैसे वाइट आता है रेड भी अपराजिता। और ये
मैक्सिकन पिटोनिया में भी फ्लावरिंग बहुत हो रही है, बहुत ही प्यारे प्लांट हैं। अपराजिता बहुत ग्रीन हो रहा है और ये स्पाइडर, और ये मेरा है वंडरिंग ज्यू, ये भी मैंने ग्राउंड में लगा रखा है। हैंगिंग बास्केट भी मैंने बहुत तैयार करी हैं इसकी, और वंडरिंग ज्यू भी बहुत कटिंग से आसानी से लग जाता है, आप लोग इसकी कटिंग लगा सकते हैं। ये पत्थर चटा भी साथ में पेड़ निकल रहे हैं। वंडरिंग ज्यू की कटिंग बहुत अच्छी जल्दी तैयार हो जाती है। और ये है मेरा सिलोसिया प्लांट, इसे मुरकेस भी कहते हैं, ये भी बहुत घना हो रहा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा प्लांट ये, आप लोग देख सकते हैं मेरे प्लांट ये सारे। ये करी पत्ता प्लांट है, इसकी लीव भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, कहीं पर कोई चीज़ में हम तड़का भी दे सकते हैं, डायबिटीज़ में भी ये बहुत फ़ायदा करती है करी पत्ता। इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से हम लोग ग्रो कर सकते हैं, कहीं पर इसकी कटिंग मिल जाए तो हम लोग लगा लें, क्योंकि मानसून सीज़न में तो कटिंग बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। ये मेरा गोल्डन साइप्रस है, आप लोग देख सकते हैं, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी। ये एरुकेरिया प्लांट, एरुकेरिया है, यक्का प्लांट है। यक्का प्लांट पर अभी मैंने वीडियो नहीं बनाकर डाली है, जल्दी ही डालूँगी यक्का प्लांट पर। तो फ्रेंड्स यही प्लांट हैं, मधुकामनी का है, चांदनी का। आप लोगों को अगर आज का मेरा ओवरव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।